जनसंवाद का तो एक बहाना है। खट्टर साहब अपनी सेफ सीट ढूंढने लग रहे हैं, कहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि करनाल से ही वो हारन लग रहे हैं। तो कभी तो हाँसी आते हैं, कभी बरवाला जाते हैं, कभी नानून जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं। ये जनसंवाद का बहाना लेके ये नंबर्स ढूंढने जाते हैं कि भाई कहीं से ऐसी सीट हो जहाँ से मुख्यमंत्री जी जीत सकें। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, करनाल से ही हारन लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जहाँ तक जिले की बात है, हाँसी जिला बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन बनेगा कब? जब कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारा मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, जब जिला बनेगा हाँसी, उसे पहले नहीं बनेगा। तो हरियाणा के पूर्व लोक संपर्क व बिजली राज्य मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अतर सिंह सैनी ने आज अपने आवास पर हाँसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े खुलासे किए, देखिए पूरी वीडियो। बहुत ही गंभीर मुद्दा है डंपिंग स्टेशन का, और डंपिंग स्टेशन यहाँ हाँसी में डंप करने के लिए पहले तो बीड फार्म में होता था, नगर परिषद वहाँ पर डंप करके आती थी। वहाँ पर दो ढाई साल से वहाँ जब तीन चार पंचायतें हैं नज़दीक नज़दीक, धानीपाल है, बीड फार्म है, राजीव नगर है, उन्होंने सभी ने मिलकर उसका विरोध किया। वो इलीगल था, वो भी वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ डालते थे, इसलिए महामारी फैलने का वहाँ डर था, लोगों का रहना वहाँ दुभर हो गया था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और उस बीच में कई बार जाकर हमारे विधायक जी ने भी आश्वासन दिया, तीन चार बार आश्वासन दिया, वो खरे नहीं उतरे अपने आश्वासन पर। उसके बाद एसटी महोदय ने भी जाके वहाँ पर आश्वासन दिया, वो भी खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने मुखर विरोध किया। मुखर विरोध किया तो उसके बाद वहाँ डालना बंद कर दिया, यहाँ समाधि मंदिर कामसर झील के पास में डंप करने लगे। तो ये भी बहुत गलत बात थी, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी काम था, गैर कानूनी तरीके से यहाँ डालना शुरू कर दिया उन्होंने नगर परिषद ने। और यहाँ पर इतनी दुर्गंध आने लगी, महामारी फैलने का डर हो गया, चारों तरफ बस्ती है, समाधि मंदिर है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, श्रद्धालु आते जाते हैं, मेले लगते हैं, लेकिन यहाँ के आसपास के जो साथी थे उन्होंने यहाँ विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने अदालत में कार्रवाई करने की सोची, अदालती कार्रवाई की मैंने सोची, तो हमारे जगदीश को साहित्यकार भी हैं, उनसे मैंने बात की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए मेरे को। फिर मैंने राजीव सामाजिक कार्यकर्ता है, उससे बात की, उसने भी बहुत सी शिकायतें कर रखी थी, उसने भी बहुत आंदोलन किया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मत डालो, लेकिन पार नहीं पड़ी, किसी ने सुनी नहीं, प्रशासन ने, शासन ने, म्यूनिसिपल कमीशन, म्यूनिसिपल परिषद ने, नगर परिषद ने सुनी नहीं कोई भी बात। तो फिर आखिर में मैंने अदालत में कार्रवाई करने की सोची, और इसका मैंने 6 तारीख को स्टे ले लिया अदालत में, और अब इसके 15 तारीख का लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया हुआ है, और वो लोकल कमिश्नर 15 तारीख को ऑन द स्पॉट निरीक्षण करेंगे, 20 तारीख को स्टे पर बहस होगी, अब 20 तारीख तक का स्टे है, 20 तारीख को दोबारा बहस होगी, वो लोकल कमिश्नर जो अपनी रिपोर्ट देगा उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। परिषद का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ करवाई है, और एक सरकार के खिलाफ। विधायक ने भी एक बार कहा था कि मतलब ये बंद कर दिया जाए, उसके बावजूद कहने के बाद भी फिर से यहाँ पे जो डंप है वो होता ही होता है। हाँ, यही तो बात है, विधायक गुमराह करते हैं और नगर परिषद के चेयरमैन है वो भी गुमराह करते हैं, क्योंकि जहाँ ये कहते हैं कि हमें अलाट हुई हुई है जमीन दूसरी जहाँ पे हमें डंपिंग स्टेशन बनाना है, वहाँ पर तो धान खड़े हैं, फसल खड़ी है, भाई वहाँ धान क्यों बो रखे हैं आप लोगों ने, वहाँ पे डंप करो। तो ये सारे के सारे गुमराह करते हैं लोगों को। चेयरमैन उनको बनाने में आपका योगदान बहुत रहा, सबका योगदान था, तो कहीं भी आपकी बातों को मान नहीं लिया। मेरी सर हंसी की नहीं मान रहा, क्या मान के चल रहे हैं, मतलब इस तरह से चेयरमैन है, दो शहर में काम कर रहा है, प्रभावशाली कह सकते हैं, प्रभावशाली नहीं है कोई काम है। सफाई का पहला काम तो सफाई का ही होता है, सफाई का काम जब अच्छा नहीं है तो प्रभावशाली नहीं कह सकते हम उसको, प्रभावशाली नहीं है।
कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। सेंट्रलाइज करेगी पूरी मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में और सारे देश में भी सरकार आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस में सब एकजुट हैं, ये तो जो विरोधी हैं वो फैलाते हैं ऐसी बातें। मुख्यमंत्री जी तो पहले भी आए थे एक बार, उसके बाद बताओ कितना विकास हुआ। जिला की बात को आप विकास की बात करते हो, एक डंपिंग स्टेशन तो इनसे बना नहीं, क्या विकास कराएंगे। सफाई तो सबसे जरूरी होती होगी, आज 9 साल से इनकी सरकार है तो जिले की बात की बात तो ये तो डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। नगर परिषद में भी इनकी सरकार, हरियाणा में भी इनकी सरकार, देश में भी इनकी सरकार, ये ट्रिपल इंजन से सफाई नहीं हो रही तो फेल बन गए और क्या हो, इसको पास मानोगे, इसी को पास मानोगे तो फेल किसको करोगे। नंबर है ही नहीं इनके लिए तो -0, तो ये क्या काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने घोषणा की है कि उस वक्त में, मेरे समय की बात करते हो आप, उस वक्त 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती थी। इसी में मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे और बल्कि 1 रात रुके भी हैं, लेकिन विकास की बात जहाँ तक आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हांसी के विकास के लिए उन्होंने 100 रुपये भी नहीं दिए। 100 रुपये भी नहीं दिए, आप बताओ कोई दिया हो तो। एक स्टेडियम की घोषणा करके गए हैं और एक इंडस्ट्री उसकी घोषणा करके गए हैं, वो तो बनेगा जब बनेगा, एक डंपिंग स्टेशन तो इनसे बन नहीं रहा।